नमस्ते बच्चे, आज हम कबीर की साखियां सीखेंगे। ये कबीर कौन है? हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में एक है। ये भक्ति काल शाखा के कवि हैं। हिंदी में चार कालों को साग हिंदी साहित्य में चार काल हैं। क्या क्या है? भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीति काल, आधुनिक काल। इनमें भक्ति काल के कवियों में एक है, प्रसिद्ध कवियों में एक है कबीरदास। ये कबीरदास की साखियां, यहाँ साखियां का मतलब है किताब का नाम, तो किताब में होने वाली दोहे, तो साखियां। उनमें से पांच दोहे हमें दिए हैं हमारे किताब में। पहले दोहे को आज पढ़ेंगे। यहां देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। इसका मतलब क्या है? इस कविता, इस दोहे द्वारा कवि क्या बताना चाहते हैं? ज्ञान, जीवन में ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। और इसका अर्थ पूरे भावार्थ को देखिए। जब हम जाति के, जब हम एक साधु के पास जाते हैं, उसे मिलने के लिए जाते हैं, तब हमें उसके उसकी जाति के बारे में पूछना नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए? पूछ लीजिए ज्ञान, उसकी ज्ञान, ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए साधु से। जीवन में ज्ञान कितना आवश्यक है, उसके बारे में पूछना चाहिए। इसको एक उदाहरण के साथ बताते हैं। देखिए, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहूं दो ज्ञान। का मतलब, जब हम तलवार खरीदने के लिए जाते हैं, हम तलवार के म्यान को, पड़ा रन दो म्यान, तलवार के म्यान को हम नहीं देखते। म्यान का मतलब है कवर। जब हम तलवार, तरवार, तरवार का मतलब तलवार, स्वाट। When we go for buying a sword, we never look at the cover of the sword. We look at the sharpness of the sword. तो मोल करो तरवार का। When we evaluate a sword, we look at the sharpness of the sword. We don't look at the cover of the sword. The same way, here he says, when you go to the saint, talk about the wisdom, don't talk about the caste, don't talk about this religion. तो इस कविता में विषय देखते हैं। साधु के पास जाते समय हमें ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जैसे कि तलवार खरीदते समय हमें तलवार के म्यान को देखना नहीं चाहिए, उसके 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 तलवार की तीव्रता को हमें देखना चाहिए, तलवार की योग्यता को हमें देखनी चाहिए। बच्चे, आप समझे होंगे जो भी मैं पढ़ाया हूँ। इस कविता को एक बार पढ़कर देखिए। जो भी प्रश्न आपको बताता हूँ, उसके लिए आप जवाब दे दीजिए। धन्यवाद।